पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। और आज हम लोग इसको इस स्टडी को आगे बढ़ाने वाले हैं गॉस लॉ के साथ में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था क्या, है ना। थोड़ा ध्यान से अगर याद हो, और जिन्होंने भाई नहीं देखा है तो पहले ये देख लो, ठीक है। अप्रोक्स सवा घंटे का तो वीडियो था ही, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह हम लोगों ने सीख किया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने फाई देखा था, उसको हम लोगों ने देखा था कि वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट था, और ये था किसी भी सरफेस से होकर के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पास कर रहा है, वो था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करते हैं मेरे पास अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है यहां पर Q, है ना, पॉइंट चार्ज Q है, तो हम जानते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस तरह से निकल रहा होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ करने के लिए सीख लिया हुआ था सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहां पर ही थोड़ा ध्यान से समझना है। हम एक दो लाइन और ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो एक छोटा सा आइडिया मिलने लगेगा आप धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि और आगे हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सपोज करते हैं हमने यहां पर एक एरिया बना लिया और उतना ही बड़ा एक एरिया यहां पर बना लिया, थोड़ा बड़ा एरिया बन रहा है, हम इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अब एक बात बताओ कि इस एरिया से हो करके पास करने वाला जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज्यादा है या ये ज्यादा है। तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि इस वाले से देखो तो चार लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं और इसमें सिर्फ दो ही पास कर रहा है। तो हम ये कह देंगे इससे होकर के जो फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस और फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस में, इसका फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि हम कहेंगे इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। एक तो ये तरीका हुआ समझने का। दूसरा तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये एरिया इस चार्ज के क्लोजर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगा रेदर देन दिस वन। डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, इस कारण से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया अगर सेम है, दोनों का एरिया ए ही मान के रखे हैं, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव वन इज ग्रेटर देन फाइव टू, इसका फ्लक्स ज्यादा हो गया इसके फ्लक्स से, ठीक है। एक तो ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा क्या समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि यहीं पर एक चार्ज जो था ही, ठीक है, इसी चार्ज को हम थोड़ा और बेटर तरीके से देखना चाहते हैं, ये चार्ज है क्यू, ठीक है, और इससे होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं ऐसे पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा सरफेस एरिया बना देना चाहते हैं। तो हम एक और चीज देखना चाहते हैं, तो ध्यान से बहुत, ये रहा हमारा, बहुत सारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इसमें से पास करवाना चाहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि इससे होकर कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इससे होकर कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इस वाले एरिया से होकर कितना फ्लक्स पास कर रहा है, हम वो निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालें, ठीक है। एक बात बताओ, ये तो चार्ज जो है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, इधर भी निकाल रहा है, पीछे भी निकाल रहा होगा, ऊपर भी निकाल रहा होगा, पीछे भी निकाल रहा होगा, नीचे भी निकाल रहा होगा, आगे भी निकाल रहा होगा, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, यानी कि ये चार्ज कहीं ना कहीं स्फेयर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, स्फेरिकल सिस्टम टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। और उसी स्फेयर का हमने एक, उसी स्फेरिकल रीजन में हमने एक छोटा सा एक एरिया यहाँ पर रख दिया हुआ है, हम कह रहे हैं भाई इससे होकर कितना फ्लक्स बन रहा है वो निकाल के दिखाओ। तो हम क्या सीखे थे, हम बोले थे कि भाई इसका एरिया मान लेते हैं छोटा सा एरिया है डी ए, और इससे होकर के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसको प्रोडक्ट कर लो, उसको जोड़ लो, है ना, छोटा छोटे मान लेते इसी में, चलो ठीक है, छोटा सा एरिया हमने यहाँ तोड़ देते हैं, ई डॉट डी ए कर देते हैं, यहाँ पर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसको डी ए से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे पूरा सरफेस का, तो हमको आ जाएगा इसका फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल क्या बनेगा, ई डॉट डी ए, ये था ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा इसका फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा हुआ था। हमें इसी चीज को थोड़ा और बेटर तरीके से देखना चाहते हैं, ये वाला इरेज कर देना चाहते हैं, कॉपी कर लो, हो गया।
अगर हम इसी चीज को देखें कि यहां पर यही एरिया था हमारे पास, ठीक है, और यही है हमारे पास चार्ज, ठीक है। यहां पर कोई ना कोई एक, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हम जो बना रहे हैं वो क्या है, एक ओमेगा है। ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल। हम अगर कोई सरफेस एरिया रखे हैं, इसका सरफेस एरिया का वैल्यू कुछ मान लेते हैं डीए अगर है, और इससे होकर कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ चलो अभी देखो दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास कर रहा है, तो इसका एरिया हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अगर हम एक चीज थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर एक सॉलिड एंगल ही बनेगा, यहां पर एक सॉलिड एंगल भी बनेगा जिसको हम कहेंगे ओमेगा। और ओमेगा का वैल्यू क्या बताए थे? ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2π 1 माइनस में कॉस थीटा, और ये थीटा था सेम वर्टिकल एंगल, और यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि इसका पूरा का पूरा, इसने ये पूरा का पूरा एंगल थीटा बनाया है, तो ये हो जाएगा थीटा बाय टू, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल का आधा थीटा बाय टू ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या बताते हैं? 2π 1 माइनस में कॉस थीटा बाय टू। देख लो भाई, एक स्पेशल वीडियो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है यहां तक। तो हम ये कहेंगे इस एक जो कोन बन रहा है ना, ये देखो सॉलिड कोन में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो सारे के सारे इसी एरिया से पास कर रहे हैं, वो सारे के सारे इसी एरिया से पास कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। अब एक बात बताओ कि अगर 4π एंगल बनेगा, ठीक है, अगर 4π एंगल बनेगा, छोड़ो 4π, अभी अभी जो फ्लक्स बन रहा है पाई ओमेगा एंगल पर, जो फ्लक्स बन रहा है उस फ्लक्स का वैल्यू क्या है बता दो? इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डीए वेक्टर है। अगर ओमेगा एंगल बन रहा है तो फ्लक्स कितना आ रहा है? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए आर, ठीक है। यहां तक अभी हम आगे स्टडी करते हैं, समझ में आ गया? पहला बात, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत छापो। तो अगर अभी हम रखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्यू है, ठीक है, और इस चार्ज से होकर के, ठीक है, कितना नेट फ्लक्स बन रहा है हम वो निकालना चाहते हैं, और कोई भी एक सरफेस हम अजीब सा बना लेना चाहते हैं, यही सरफेस है हमारे पास, ठीक है, हम एक सरफेस अजीब सा बना लेना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं इस पूरे सरफेस से होकर कितना फ्लक्स बन रहा है, हम ये निकालना चाहते हैं। फ्लक्स पासिस थ्रू दिस एनी इरेगुलर शेप ऑफ सरफेस ड्यू टू दिस एनी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कितना होगा हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक है, बाद में निकालेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? और उसके बाद हम जानते हैं कि सरफेस का छोटा छोटा एरिया काटो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ऐसे, और इसका जो भी डीए बनेगा, ऐसे बहुत सारे ईडी और डीए होगा, और इसको पकड़ करके जोड़ देंगे पूरा सरफेस के लिए, पूरा ये 3D सरफेस है अजीब सा, ठीक है, पहाड़ मेट्रोइड टाइप का है, उसके बीच में अंदर से चार्ज रखा हुआ, उसे हमसे कितना फ्लक्स बन रहा है वो निकालना है। तो फ्लक्स किसे निकालोगे? होगा फ्लक्स किसे निकालोगे? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए करना पड़ेगा, डॉट करना ई डीए कॉस थीटा यहां पर, और पूरा का पूरा सरफेस का इंटीग्रल करना पड़ेगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा ना इसका। अरे बस सुनो, यहां तक समझ में आ रहा है पूरा अच्छा से बात? लेकिन हम क्या इतना आसान है कि हम इस फ्लक्स को, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर पाए? इमेजिन करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर कम है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, साथ में हर एक जगह का एंगल भी अलग अलग होगा। यहां पर का मान लेते यहां पर एरिया बनाएंगे तो यहां का डीए ऐसे हो जाएगा, यहां का थीटा कुछ अलग होगा। अरे बस सुनो, तो हर एक जगह का E डॉट डीए करने में हमको E भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, और एरिया भी वेरिएबल है। सबको बोल रहा है इंटीग्रेट करके जोड़ो, पॉसिबल नहीं है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम कुछ दिमाग लगाते हैं, हम एक काम करते हैं, कुछ चीजों को कांस्टेंट करना चाहते हैं। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर फिक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर डिस्टेंस पर इस चार्ज ग्राउंड फिक्स होता है,
हम अगर आर डिस्टेंस पर हमें एक स्फेयर रिज्यूम करें, आर डिस्टेंस पर हम एक स्फेयर रिज्यूम करें, तो एक बात बताओ कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इरेगुलर सरफेस से पास कर रहा है, क्या उतना ही सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इस स्फेरिकल रीजन से पास कर रहे क्या? ये हमने एक नया स्फेरिकल सरफेस बनाया, ये हमने स्फेरिकल सरफेस बनाया, और ये क्या है हमारा? इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकल रहा है उतना ही इसमें से भी निकल रहा है, यानी कि फ्लक्स थ्रू इरेगुलर क्या लिख रहे हैं, सरफेस मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस, कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना। अब स्फेरिकल सरफेस के साथ में क्या प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान से, कि इस आर डिस्टेंस पर, मान लेते ये आर डिस्टेंस है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम कह सकते हैं ई है, और एरिया जो बनेगा वो हर समय, देखो ये टेंजेंट है ना, ये सॉरी रेडियल ही है ना, रेडियली आउटवार्ड ही डीए बनेगा, और वो डीए हर समय इस ई के पैरेलल ही होगा, यानी कि कॉस थीटा में से थीटा जो है वो जीरो हो चुका है। फिर समझो, अगर स्फेयर है उसका अगर हम एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम एक लाइन खींचे हैं, तो जो सेक्शन कटेगा एरिया का उसका नॉर्मल किधर बनेगा? वो तो रेडियली आउटवर्ड ही ना होगा, क्योंकि हम क्या बताए थे, एरिया वेक्टर हर समय परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी कि अगर हम एक सरफेस का, एक स्फेयर का परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो हर समय रेडियली आउटवर्ड ही होगा ना, और रेडियली आउटवर्ड अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जीरो डिग्री बना देगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो हमको चाहिए था ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा लिखना था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस जगह पे, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर स्क्वायर पड़े थे ना, के अंदर में चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कर लेते हैं, और यहां लिख देते हैं कॉस जीरो, के जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज फिक्स है, और आर भी हर जगह पूरा, सर ये सरफेस के लिए बात कर रहे हैं ना, पूरा सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये तो आर स्क्वायर फिक्स हो गया, कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो गया, अंदर में बच गया डी ए। अब एक बात बताओ, यहां से आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और डीए को जोड़ोगे, छोटा छोटा एरिया को जोड़ोगे पूरे स्फेयर के लिए, तो पूरे स्फेयर का एरिया आ जाएगा, और पूरा स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई खत्म हो गया, तो क्या बचा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फ्लक्स। कोई दिक्कत है? कॉपी कर लो। तो अभी क्या सीखे, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो उससे किसी स्फेरिकल रीजन से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा था, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि हम किस जगह बात कर रहे हैं, यही बात हम कहना चाह रहे थे कि जो भी इरेगुलर सरफेस से फ्लक्स बन रहा है वो हमारा इस रेगुलर सरफेस से बन रहा है, और ये रेगुलर सरफेस कहाँ, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, हम ये इस रेगुलर सरफेस को यहां बना दें तो भी फ्लक्स इतना ही बनेगा। फ्लक्स क्या है? इस सरफेस से कितना निकल रहा है, तो जो यहां से निकल रहा है वो यहां से भी निकल रहा है, वो यहां से निकल रहा है, तो फ्लक्स तो हर जगह सेम निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आज बात समझ में, तो फ्लक्स ये हो गया। हम इस स्टडी को और कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हम ये बात कहें यहां पर सेंटर पर अगर 4 पाई सॉलिड एंगल बन रहा है ना, इफ सॉलिड एंगल एट सेंटर इज 4 पाई, देन नेट फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर पर 4 पाई एंगल बन रहा है तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना फ्लक्स बन रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन रहा है,
अगर हम ये कह दें इफ सॉलिड एंगल एट सेंटर इज ओमेगा, अगर सॉलिड एंगल सेंटर पर अगर ओमेगा बने तो नेट फ्लक्स क्या बन जाएगा, देखो तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इनटू ओमेगा। अरे बस समझे, यानी कि जो फ्लक्स बनेगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा बन रहा है। और हम इसी को लिख सकते हैं यहां से, फ्लक्स अगर उसका वहां पर वर्टिकल जो एंगल बन रहा है ना दोनों के बीच का एंगल, उसके बारे में बात कर सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा के जगह क्या लिख देंगे अब, अगर सपोज करोगे आप यहां पर एक चार्ज रख दिए और इसने यहां पर ये जो भी सरफेस एरिया है ना, यहां पर जो भी सरफेस एरिया है इसके कारण यहां पर ओमेगा बन रहा है और इसने एंगल यहां बना लिया थीटा, ठीक है, तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन बनता था, 2 पाई 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन 2, तो इसे हम क्या बनेगा, ओमेगा जब क्या लिख सकते हैं 2 पाई 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन 2, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, तो बेसिकली क्या आ रहा है देख लो ध्यान से, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कॉस थीटा बाय 2, तो दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू दिस ओमेगा, अरे बस में दिस ओमेगा, अरे बस समझ में, इतना फ्लक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत है कॉपी कर लो। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो अजीब सा इरेगुलर सरफेस था वो कुछ ऐसा है और यहां पर हम एक चार्ज रख दिए पॉजिटिव चार्ज क्यू, अब हम इसके कारण निकालना चाहते हैं फ्लक्स इसमें से कितना होकर के पास कर रहा है, एक बात हमें कैसे करके बना दिए। अब एक बात सोचो कि अगर यहां पर ओमेगा एंगल बन रहा है, ओमेगा सॉलिड एंगल बन रहा है, तो उसने यहां पर इस वाले सेक्शन पर इस वाले से एरिया में, मान लेते इस छोटे से एरिया में जितना फ्लक्स इन किया होगा उतना ही फ्लक्स इस वाले से आउट हुआ होगा, और फ्लक्स इन होते वक्त एरिया जो वेक्टर बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बन रहा है, यहां जो फ्लक्स बनेगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स एंटरिंग टू द इरेगुलर सरफेस इज नेगेटिव, इज दैट ओके, फ्लक्स एग्जिटिंग टू द इरेगुलर सरफेस इज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर हम बाहर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही है, तो फ्लक्स तो यहां पर पॉजिटिव बनेगा। कमाल का बात यह है कि दोनों के कारण सेंटर पर ओमेगा ही एंगल बन रहा है इस जगह पे, इस कारण से हम कहेंगे कि जितना भी फ्लक्स अंदर गया उतना ही निकला है, क्योंकि फ्लक्स इसका कारण क्या बोलेगा, हम बोलेंगे फ्लक्स जो एंटर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, अभी ना सीखे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, ये ना था, और फ्लक्स ये निगेटिव में आएगा और फ्लक्स जो एग्जिट हुआ है वो भी यही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, इसीलिए नेट फ्लक्स क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि दोनों बराबर है प्लस और माइनस में है। इसका मतलब अभी क्या सीखे हम कि अगर कोई चार्ज बाहर में है तो उसके कारण इस क्लोज सरफेस से होकर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, कोई दिक्कत है, फ्लक्स कोई भी नहीं बनेगा। तो यहां से हम पहला नोट तो लिख ही सकते हैं, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस देन इट प्रोड्यूसेस नो
नेट फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स नहीं बनाता है। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, अभी दूसरा भी बात सीखे थे जो कि पहले पीछे वाला में सीखे थे, अगर चार्ज बीच में रहेगा क्लोज सरफेस के बीच में तो फ्लक्स कितना था, क्यू बन एप्सिलॉन जीरो था, है ना, था व्हेन चार्ज इज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस देन इट प्रोड्यूसेस Q upon, it produces net flux is equal to Q upon epsilon naught, Q upon epsilon naught, और यही है हमारा cos law। ये जो स्टेप पर लिखा हुआ गॉस लॉ यही कहता है कि अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस है, उस सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज है उसके कारण जितना भी नेट फ्लक्स बनेगा, जितना भी नेट फ्लक्स बनेगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ, कोई दिक्कत है, कॉपी कर लो। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, द नेट फ्लक्स, ठीक है, द नेट फ्लक्स ड्यू टू, नेट फ्लक्स पासिस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी closed surface is equal to Q enclosed upon epsilon naught, Q enclosed upon epsilon naught, यानी कि जो net flux बनने वाला है वो क्या होता है बता दो, E dot dA होता है ना जी, E dot dA vector होता है का surface integral करते हैं यहां पर, ठीक है, हम इसी सिंबल को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं, ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर जो कि हो जाएगा क्यू कितना अंदर में चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एकदम आसान हो गया, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है ये वाला, और इसके अंदर में यहां पर क्यू वन चार्ज है प्लस में, यहां पर माइनस में क्यू टू चार्ज है, यहां पर प्लस में Q3 चार्ज है, यहां पर प्लस में Q4 चार्ज है, यहां पर माइनस में Q5 चार्ज है, यहां पर प्लस में Q6 भी चार्ज है। कह रहा है इस क्लोज सरफेस से होकर के, क्लोज सरफेस 3D सरफेस है, बार बार सुन लो, ये कोई लाइन नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3D सरफेस है, बार बार बता रहे हैं क्लोज सरफेस है, क्लोज है, ठीक है, ठीक, तो इससे होकर कितना फ्लक्स बनेगा, इस वाले से होकर कितना फ्लक्स बनेगा, तो इससे कितना फ्लक्स लिखेंगे यहां पर, तो क्या बोला Q enclosed, यानी कि इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है उतना अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q enclosed कितना हो जाएगा, n था Q enclosed अपॉन, तो Q enclosed कितना है, प्लस में Q1 माइनस में Q2 और प्लस में Q3 जो कि स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, हम उसको सीधे जोड़ सकते थे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया नेट फ्लक्स। तो एक बात और समझते हैं यहां पर कि नेट फ्लक्स जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज चार्ज की वजह से ही होगा, कोई दिक्कत है, लेकिन इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हर एक चार्ज के कारण होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है, फिर से दिमाग में बैठा लो, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन इस तीनों का नहीं होगा, हम कहेंगे कि इससे होकर के जितना फ्लक्स निकल रहा है उसका कंट्रीब्यूशन ये तीनों में, इस तीनों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में ये तीनों भी पार्टिसिपेट करेगा, कोई दिक्कत है, पहला बात तो यही है। अब दूसरा नोट तो यही याद रख लो,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन इज ऑलवेज ड्यू टू ऑल चार्जेस, है ना, प्रेजेंट देयर, ठीक है, प्रेजेंट देयर, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज के वजह से ही वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कोई दिक्कत है? गॉस लॉ समझ में आ गया? स्टेटमेंट क्लियर हो गया? तकलीफ नहीं हुआ? छापो, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूबिकल सरफेस। क्यूबिकल सरफेस है, उससे होकर कितना फ्लक्स बन रहा है। ए नंबर पार्ट के ऊपर बात करते हैं, ये क्यूबिकल सरफेस है, ये क्यूबिकल वॉल्यूम है, और इसके बीच में यहां पर एक चार्ज रख दिया गया है। कह रहा है इससे होकर कितना फ्लक्स बनेगा। तो अभी अभी सीखे हैं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर में जितना भी चार्ज है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही उसका फ्लक्स होता है। यहाँ फ्लक्स क्या लिखेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर में कितना चार्ज है? क्यू है, बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो, मामला खत्म। कितना आसान हो गया, ठीक है। बी नंबर के बारे में बात करते हैं, अगर यही क्यूबिकल सरफेस है, इसके अंदर मैं डायपोल रख दिया, यानी कि यहां पर क्यू चार्ज है यहां पर रखा हुआ, और यहां पर माइनस में क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पर इसको बोलते हैं डायपोल, दो पोल है रखा हुआ, प्लस और माइनस वाला, तो डायपोल प्लेस्ड है इसके अंदर। क्या रखा हुआ है? डायपोल प्लेस्ड इन साइड द क्लोज्ड क्यूब, देन फ्लक्स क्या बनेगा? अंदर में नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो, है ना, हमको चाहिए अंदर में नेट चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया फ्लक्स जीरो, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, नो नेट चार्ज, हमको नेट चार्ज दिखा था ना, नेट चार्ज जीरो हो गया। कोई दिक्कत है? सी नंबर के ऊपर बात करते हैं, ये कुछ इस तरह से चार्ज है, ये क्यूब है रखा हुआ, ठीक है, हमें काम करते हैं इसके फेस पर हमें चार्ज रख दिए हैं। अब यहां से थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में हम लोग ये सब पढ़ेंगे आगे जाकर के, सॉलिड स्टेट में, केमिस्ट्री में भी, ठीक है, लेकिन हाँ यहां पर भी हम एक छोटा सा तुम लोग को व्यू दिखाते हैं, एटम का पैकिंग किस तरह से होता है, ठीक है। खैर, हमको क्या जानना है? अंदर में कितना चार्ज है, इनक्लोज चार्ज कितना है। तो हम इस चीज इस जो भी चार्ज है, हम इसको थोड़ा ऐसे करके देखें, साइड से ऐसे करके, तो हम इस फेस को हम थोड़ा ऐसे करके दिखा रहे हैं। ये जो फेस है, ये वाला फेस है ना, ये ए बी जो फेस है, हम इस ए बी फेस को ऐसे दिखा रहे हैं, यहां पर चार्ज को ऐसे रखा हुआ है। तो ये इतना थिन है कि इसके फेस पर चार्ज ऐसे रखा हुआ है, सपोज करो गेंद की तरह, है ना, सपोज करो यही गेंद है ऐसा ऐसे करके, तो आधा बाहर है और आधा अंदर है। अरे बंद, ये देखो ऐसे करके है, ऐसे तो आधा बाहर है और आधा अंदर है, तो आधा चार्ज है ना, थोड़ा और बड़ा करके दिखा देते हैं, तो हम थोड़ा और बड़ा दिखाते हैं ऐसे करके, देख लो, तो बाहर में क्या हो गया? क्यू बाई टू चार्ज बाहर में, और अंदर में कितना हो गया? क्यू बाई टू, और हमको क्या चाहिए था? ये ना क्यूब, तो क्यूब के अंदर में कितना है? क्यू बाई टू चार्ज है, तो हमको कितना चाहिए था? अंदर का चार्ज चाहिए था, तो फ्लक्स यहां क्या बनेगा? क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड कितना हो गया? क्यू बाय टू, ये हो गया।
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मजा आया? इस पूरे के पूरे क्यूब से होकर कितना फ्लक्स बन गया। डी नंबर के ऊपर बात करते हैं, ये जो भी इस तरह से करके क्यूब बना हुआ है, इसके यहां पर एज पे हमने चार्ज रख दिया है। चार्ज कहां है? एज पर है, यहां पर चार्ज है एज पर। इसके बारे में कहना चार्ज इज एट इट्स फेस, एट इट्स एज। अब अगर एज पर है तो हम इस एज को थोड़ा ऐसे करके देखें क्या, एज को ऐसे करके टर्म होगा जो भी चार्ज होगा, तो चार्ज का वन फोर्थ पार्ट अंदर में है ना, क्यू बाय फोर पार्ट अंदर में और थ्री क्यू बाय फोर पार्ट बाहर में। तो हमको तो अंदर का चार्ज चाहिए था, तो अंदर में चार्ज है क्यू बाय फोर, तो फ्लक्स कितना बनेगा क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एकदम इजी हो गया, ठीक है ना, इरेज कर देते हैं इसको। अगर अब हम बात करते हैं ई नंबर में, तो यही है हमारा है ना क्यूब है। इस बार हमने इस कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, चार्ज क्या रखा हुआ, चार्ज इज एट कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे रखा हुआ है क्यू चार्ज, तो क्यू बाय एट हो जाएगा इस बार। इमेजिन करना तुम लोग, अब ये तुम्हारा काम है, ये देखो वन फोर्थ था, वन फोर्थ का एक आलू लेना, आलू को काटते जाना है ना, आलू को ऐसे ऐसे, तो वन एट्थ पार्ट रहेगा ये, नहीं समझ में आया, आलू होता है ऐसे ऐसे काट दो, दो ऐसे काट दिए चार, फिर ऐसे काट दिए स्लाइस काट दिए, आठ हिस्सा हो जाएगा, तो आठवां हिस्सा ही रहेगा वहां पर। ठीक है, तो Q बाय एट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका, तो Q अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, छाप देते हैं, मतलब उड़ा देते हैं। ठीक है, अगला सर ठीक के बाद एक और एफ ले लेते हैं। इस बार क्या है, एक सेंटर पर है चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज इसके फेस पर है, और एक इधर भी फेस पर है, एक इधर ही फेस पर है, एक इधर ही फेस पर है, और एक सेंटर पर है। आप बता दो कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक सेंटर पर है तो चार्ज सेंटर पर है ये, प्लस यहां पर से q बाय टू हो जाएगा अंदर में, अभी भी देखे थे यहां, अगर इसके फेस पर रहेगा तो अंदर में कितना चार्ज है q बाय टू अंदर में रहेगा, एक q बाय टू, दूसरा q बाय टू, तीसरा q बाय टू, चौथा q बाय टू, यानी कि फोर टाइम्स ऑफ q बाय टू चार्ज हो जाएगा ड्यू टू इट्स फेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि साफ दिख रहा है थ्री q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू आ जाएगा। मजा आ गया, कोई दिक्कत है छाप लो। अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड नेट फ्लक्स, ठीक है, पासेस थ्रू द बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन, ऐसे निकल लेते है ना, थ्रू द सर्कुलर डिस्क के ऊपर ही पहले बात करते हैं फिर आगे भी देखेंगे। एक सर्कुलर डिस्क है यही, और यहां पर हमने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और इससे इसका डिस्टेंस आर दिया हुआ है ना, ये भी आर दिया हुआ है, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है ये स्मॉल आर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसके इस डिस्क से होकर के कितना फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर से जेनरेट होगा और वो इससे होकर के पास करेगा, तो कितना फ्लक्स बनेगा हमको ये निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा आर बाय टू है, या फिर इसको आर मान लेते हैं और इसको टू आर कर देते ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है,
तब फिर हम जानना चाहते हैं कितना फ्लक्स बनेगा। हम एक चीज कर सकते हैं क्या, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे, याद है, हर एक जगह पे इंटीग्रेशन वगैरह करके। आज हम लोग इसको थोड़ा सेकेंड मेथड से डील करेंगे, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था ना, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर दो कंपोनेंट थोड़े थे, फिर सबका ई कॉस थीटा को ऐड किए थे ना, छोटा छोटा सेक्शन का काट काट करके, ये काम हम कर चुके हैं। आज हम लोग इसी को दूसरे तरीके से सीखते हैं। कैसे सीखेंगे, डिस्क के कारण निकालना हमको, हम एक काम करते हैं, हम एक 2R डिस्टेंस का, ये जो 2R है, हम इस 2R डिस्टेंस का हम एक स्फेयर रिज्यूम करते हैं। हमको पता है कि इस स्फेयर से होकर कितना फ्लक्स पास करेगा, Q अंदर में है तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता है। और हमको ये भी पता है कि अगर 4 पाई एंगल बन जाएगा इसके सेंटर पर, सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पर, 2 पाई नहीं लगा लेना, 360 डिग्री खत्म हो जाएगा मामला। हम ये कहेंगे कि अगर 4 पाई सेंट्रल एंगल बन रहा है तो इसके कारण नेट फ्लक्स आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई तुम्हारा कितना ओमेगा बन रहा है, अरे सुन ओमेगा कितना बन रहा है ये भी निकाल लेते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या सीखे थे, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये भी सीखे थे क्या, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R का होल स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4R का स्क्वायर, यानी कि पाई अपॉन 4 हो गया। अरे बस मैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इफ सेंट्रल एंगल इज 4 पाई, है ना, सेंट्रल सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड ही बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, सर्कुलर नहीं बन रहा है, सॉलिड एंगल इज 4 पाई, देन फ्लक्स कितना बन रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इफ सेंट्रल एंगल इज पाई अपॉन 4, देन क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो यहां से आ गया हमारे पास q अपॉन 16 एप्सिलॉन 0, दैट्स राइट सर, इतना आ जाएगा इसका फ्लक्स। मजा आ गया, कोई दिक्कत है, कुछ है इसमें रखा हुआ, चुटकी मिल गया। इस बार मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसे करके कोन दे दिया गया है ना, जिसका हाइट एच दिया है और ये आर दिया हुआ है, और यहां पर इसके जस्ट ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया गया है और कह रहा है कि इसके बेस से वो कितना फ्लक्स बन रहा है वो निकाल के दिखाओ। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू इट्स बेस, इसके बेस से वो कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो वो कैसे पास कर रहा होगा, भाई यही चार्ज है, एक तो भाई ऐसे पास कर रहा हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा हो, कुछ ऐसे पास कर रहा हो, कुछ ऐसे पास कर रहा हो, तो बेसिकली हमको इस एरिया से होकर कितना फ्लक्स बन रहा है ये निकालना है। अभी अभी सीखे तो इससे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये अगर एच है और ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, और इतना बड़ा ही रेडियस का एक हम एक स्फीयर रिज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और रिज्यूम कर रहे थे ये एंगल हमारा है थीटा, ये थीटा निकाल सकते हैं क्या, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर अपॉन एच, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स आर अपॉन एच, इज इट ओके, इतना आ गया इसका थीटा। तो हम जानते हैं ओमेगा का वैल्यू क्या होता था, 2π 1 माइनस में कॉस सेमी वर्टिकल एंगल, बार बार कर रहे, देखो यहां पर इस बार हमने थीटा लिया ही है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, वर्टिकल एंगल पूरा बोलते हैं उसका आधा सेमी वर्टिकल एंगल, तो क्या हो गया कॉस थीटा, यहां से आ गया 2π 1 माइनस में कॉस टेन इनवर्स आर अपॉन एच, ये हो जाएगा इसका ओमेगा। और हमको पता है कि अगर सेंटर पर 2π एंगल बनेगा तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इतना ओमेगा पे कितना, ठीक है, तो हमको फ्लक्स पता चल गया क्या, फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0
अपॉन 4 पाई इंटू थीटा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सॉरी ओमेगा ना, ओमेगा का वैल्यू क्या देगा 2 पाई 1 माइनस में cos tan इनवर्स r अपॉन h। तो यहां से आ गया q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस में cos tan इनवर्स r अपॉन h, दैट्स योर आंसर। Flux passes through this base, is it okay? मजे आ गए, ठीक है, कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि सपोज करते हैं मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और इसके सेंटर पर यहां पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो कह रहा है कि कितना फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना है ये निकाल के देखो। तो फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, देखो इसके सरफेस पर है, सरफेस पर अगर है तो कुछ इस तरह देख सकते हैं क्या, सरफेस पर चार्ज ऐसे रखा होगा, अंदर में कितना क्यू बाय टू, बाहर में क्यू बाय टू, बोलना पड़ेगा क्या, ये सब चीज समझ में आ गया बात, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको, छापो जल्दी से जल्दी छापो। अब देखते हैं हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा वाला है और वो एक स्फीयर से पास कर रहा है, सेंटर ये है और ये जो पूरा का पूरा लेंथ है ये एल लेंथ है और ये आर है, और इस पूरे रॉड के ऊपर लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब कह रहा है कि इसके कारण कितना फ्लक्स बनेगा वो निकाल के दिखाओ, फाइंड नेट फ्लक्स इसका निकाल के दिखाओ। तो हमको पता है कि नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इसके अंदर में कितना इनक्लोज्ड चार्ज है, तो चार्ज तो भाई इनक्लोज्ड तो नहीं, यहां से यहां तक एल लेंथ है, फैला हुआ चार्ज है, लेमडा दिया हुआ है, तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, लेमडा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि अंदर में एल ही लेंथ में चार्ज है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, अंदर का इतना ही ना चार्ज, एल लेंथ में इतना ही चार्ज है, तो लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0, नेट प्लस हो गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत है, ये हो गया आंसर, कितना आसान कुछ है इसमें, एरेज करते हैं, लिखो 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 लिखो। अब जो सवाल है ये थोड़ा मजा आ जाएगा, पिछले क्लास में हम लोग किए हुए हैं, ठीक है, इस सवाल को थोड़ा आज इसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। यही था क्यू, ठीक है, और ये एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट एक्स अपॉन एल आई कैप, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है यानी कि आई कैप की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर 0 होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी कि एट द ओरिजिन, एट द ऐसे करके बन रहा है, तो एट ओरिजिन एट दिस प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, एंड एट दिस एल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि अगर हम एल पुट कर देंगे तो एल बाय एल कट जाएगा, तो ई नॉट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिख रहा है 0, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिख रहा है ई नॉट। हमको नेट फ्लक्स इस चारों कारण तो अभी भी समझ में आ चुका है, पिछले क्लास में सीखे थे 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया बेटर ऊपर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, को फ्लक्स इस चारों से पास नहीं करने वाला है, सिर्फ इस दोनों से पास करेगा, तो एरिया वेक्टर हम इसका ऐसे बनाएंगे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनाएंगे, तो इस दोनों के नेट फ्लक्स को जोड़ लेंगे। सवाल कहता है कितना इसके अंदर में चार्ज है, पहले बाद में देखा जाएगा, पहले फ्लक्स देख लेते हैं कितना बनेगा, फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1 प्लस में फ्लक्स 2, बाकी सब तो 0 है, एक का तो इसका कारण ऐसे ही फ्लक्स 0 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नॉट इंटू एल स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, हमको पता है फ्लक्स बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो कितना क्यू इनक्लोज्ड है हम ये भी तो निकाल सकते हैं ना बाबा, फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं क्या, और फ्लक्स कितना हो चुका है E नॉट एल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो। हम पिछले क्लास में बात किए थे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, अब फ्लक्स आ रहा था जीरो। लेकिन हम तब बताए थे कि अगर फ्लक्स बन रहा है तो अंदर में कहीं ना कहीं चार्ज है। देख लो वो चार्ज हम निकालने का तरीका आज सीख चुके हैं, अंदर में कितना चार्ज है। पिछले क्लास में स्टडी किया था ना, तो बोले थे यहाँ पर भाई फ्लक्स बन रहा है, क्यों बन रहा है, अंदर में कहीं ना कहीं चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है अंदर में ये, ठीक है मजा आ गया, कॉपी कर लो। इस सवाल में कह रहा है कि प्लॉट करो एक ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का, कि समय के साथ किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। एक बात तो तय है कि जब समय जीरो है, और एक कुछ इंट्रोडक्शन ही कर लेते सवाल का, एक क्यूब है, क्यूब का साइड ए दिया हुआ है, और एक रॉड है चार्ज रॉड जिसका की लेंथ भी ए है, और लैम्डा है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है कि कितना, मतलब किस तरह से टाइम के साथ में वेरी करेगा। जब समय जीरो है तो क्या अंदर में कोई भी चार्ज है, पहले तो यही निकाल सकते हैं। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो अंदर में कोई भी ना तो चार्ज है ना कुछ है, तो क्यू इनक्लोज्ड अंदर में जीरो है तो फ्लक्स क्या बनेगा, जीरो। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी से अंदर घुसते जा रहा है, तो जब ये अंदर घुसती जा रहा है तो किसी एक टाइम के बाद पूरा का पूरा रॉड अंदर में आ जाएगा, पूरा का पूरा रॉड अंदर में आ जाएगा। उस समय कितना अंदर में चार्ज हो जाएगा, एट एनी टाइम टी है ना, एट एनी टाइम टी क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल होता है ना, तो लैम्डा इंटू ए हो जाएगा, तब फ्लक्स क्या बनेगा उस समय पर, फ्लक्स क्या बनेगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी कि लैम्डा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो उस टाइम बनेगा। कोई दिक्कत है, और वो टाइम क्या होगा जब ये चीज हो रहा होगा, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, ये डिस्टेंस कवर करेगा तब यहां आ जाएगा, यानी अगला पिक्चर जो अगर हम बनाएंगे किसी टाइम टी पर रॉड कहीं ना कहीं इस तरह से आ जाएगा है ना, किसी टाइम टी पर जब रॉड ऐसे घुस गया तो पूरा का पूरा ए लेंथ घुस गया, उतना आने में कितना समय लगा है, तो टाइम का वैल्यू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बी। ये हुआ अगला कंडीशन, और इस टाइम फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, पूरा का पूरा रॉड आ चुका है और ये अभी भी निकलते जा रहा है, निकलते निकलते एक समय ऐसा आएगा जब इसमें से होकर के ये रॉड पूरा पूरी बाहर हो जाएगा, तब फिर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एट एनी टाइम टी, इस टाइम टी को हटा कर यहीं पे देते हैं अपॉन बी, तो अगला 2a अपॉन b हो जाएगा क्योंकि रोटेशन अब 2a कवर कर चुका है, उस टाइम पे q इनक्लोज कुछ होगा नहीं तो फ्लक्स भी बनेगा नहीं। ठीक है, तो किसी भी डिस्टेंस x पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा उस टाइम पर, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी टाइम का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, x डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वो तो डिपेंड करते रहेगा x के ऊपर, यानी कि लीनियर ग्राफ कहीं ना कहीं आने वाला है टाइम का फ्लक्स के साथ में। जब समय जीरो है उस टाइम फ्लक्स भी जीरो है, और जब समय ए अपॉन बी आ रहा है तो उस टाइम फ्लक्स कितना आ रहा है, लैम्डा सॉरी फ्लक्स कितना, लैम्डा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ रहा है, तो लैम्डा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ रहा है इस टाइम पर, और फिर टू ए अपॉन बी पर फ्लक्स जीरो आ रहा है। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है और इस कारण से कॉन्स्टेंटली फ्लक्स बढ़ेगा, कॉन्स्टेंटली फ्लक्स बढ़ेगा तो लिनियर ग्राफ आते जाएगा, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया बात तो किसी भी जगह पर हम दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई डिस्टेंस x अंदर आ चुका है तो इतना सा चार्ज अंदर आ चुका है ना, तो इतना सा आने में कितना हुआ होगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना समय लगा, टाइम कट गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है ना, और उस समय लैम्डा क्या हो जाएगा सॉरी फ्लक्स क्या बजेगा, लैम्डा x अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली एक्स पर डिपेंड कर रहा है क्या,
और टाइम भी हमारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि कॉन्स्टेंट ग्राफ बन गया। छाप लो, अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ये इवन एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना है, ठीक है, और इसका हम कुछ ज्यादा ही यूज करेंगे आगे जाकर के भी। मान लेते हैं ए डिस्टेंस है अभी ये, और इसके ए बाई टू डिस्टेंस के ऊपर में एक चार्ज को रख दिया गया है क्यू, और कह रहा है इस चार्ज के कारण इस वाले स्क्वायर जो प्लेट बन रहे हैं इससे कितना फ्लक्स बनेगा, ये निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम एक क्यूब बनाते हैं ऐसे। तो क्यूब के अंदर में ये फ्लक्स चार्ज आ जाएगा तब, और हमको पता है कि पूरे क्यूब से होगा कितना फ्लक्स बनता है ना, फ्लक्स थ्रू फुल क्यूब कितना बनता है, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो चार्ज है इस, ये तो चार्ज भाई छो फेस से निकल रहा होगा है ना, चार फेस इधर और इधर इधर, छह फेस से निकल रहा होगा, तो क्या पूछ रहा था, एक ही फेस से ना कितना है, मजा आ गया। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस क्या जाएगा, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो, ये आ गया, ठीक है, यहां तक इरेज कर दें इसको, कॉपी कर लो इसको, ठीक है, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो अगला सवाल है इसको जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं मेरे पास यही क्यूब है, कह रहा है कि इसके अंदर में बीच में चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो कह रहा है इस सेक्शन से होकर कितना फ्लक्स बन रहा है ये निकाल के दिखाओ। नेट फ्लक्स तो पता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, एक फेस से होकर के निकल चुका है ना, फ्लक्स थ्रू वन फेस से अभी भी निकाले हैं, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो, और एक फेस का भी वन फोर्थ पार्ट में जाना है इसको है ना, इससे वो कितना निकलेगा, तो बाय फोर कर लेते हैं, तो फ्लक्स थ्रू ट्रायंगुलर सेक्शन कर लेते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन कितना हो जाएगा, वन फोर्थ ऑफ फ्लक्स थ्रू वन फेस कह सकते क्या, यानी कि क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन जीरो। ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, कह रहा है बीटा एंगल निकाल के दिखाओ। पहले समझते हैं यहां पर हो क्या रहा है, एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, और एक अल्फा है और एक रहा बीटा एंगल, और ये बेसिकली लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का एंगल है, यानी कि यहां से जो एंगल, जो दो लाइन निकला है, दोनों लाइन के बीच का एक एंगल है, कोई भी दो लाइन उठा लिया गया है, अल्फा एंगल पर निकल रहा है लेकिन इसमें बीटा एंगल पर जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का पिक्चर है, वो ऑब्वियसली प्लस है माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा होगा, माइनस में जा रहा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता तो दोनों का बीच में मीटिंग होता तो दोनों का अल्फा और बीटा बराबर हो जाता, लेकिन वैसा कंडीशन तो है नहीं, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और एक का मैग्नीट्यूड कम है, तो कहीं ना कहीं एक अलग एंगल पर जा रहा है और एक अलग एंगल पर एंट्री कर रहा है। समझ में आया बात, यही है सवाल कि हमको अब निकालो बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा और चार्ज क्यू वन और क्यू टू के टर्म्स में हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, इस सवाल को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, हम एक छोटा सा चीज दिखाते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर प्लस Q1 है इस जगह पे और यहां पर माइनस में Q2 है, तो यहां से कोई भी लाइन अगर निकल रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो ये एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, ऐसे इधर भी तो जा रहा होगा कोई, उतना ही सेम एंगल अल्फा पर, तो इधर जो एंगल बन रहा होगा ये तभी बीटा होगा, और यहां जो एंगल बन रहा होगा ये अभी बीटा होगा। हम एक छोटा सेक्शन काट देते हैं, हम बोलते हैं इसे फ्लक्स घुस रहा है, ये अल्फा एंगल वाला जो भी बना रहा है वो इतना फ्लक्स इसमें एंट्री कर रहा है, और उतना ही फ्लक्स
इधर से भी पास भी कर रहा है, तो फ्लक्स जितना इन हुआ है उतना ही आउट हुआ है, ये कह सकते हैं क्या? फ्लक्स जितना इन हुआ है उतना ही आउट हुआ है, फ्लक्स जितना इन हुआ है उतना ही फ्लक्स आउट हुआ है। और हमको पता है कि फ्लक्स, हमको पता है कि अगर 4 pi एंगल बनता है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो का फ्लक्स बनता है। अगर सेंटर पर सॉलिड एंगल, चार्ज का सॉलिड एंगल अगर 4 pi बनाता है तो फ्लक्स कितना बनता है? इफ सॉलिड एंगल इतना देन फ्लक्स क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और अगर यहां पर ओमेगा एंगल बनता है, तभी हम सीखे हैं फ्लक्स एंगल क्या आता था, क्यू ओमेगा अपॉन 4 pi एप्सिलॉन जीरो। सॉल्व किए थे यहां से तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो और 1 माइनस में कॉस अल्फा आ जाएगा, जो कि सेम वर्टिकल एंगल वाला होगा हिस्सा। यानी कि अल्फा एंगल ने यहां पर कितना, इस वाले सरफेस में कितना फ्लक्स बनाना है वो हमको पता चल चुका है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो 1 माइनस में कॉस अल्फा। कह सकते क्या? तो अगर यहां पर हम लिख सकते हैं क्यू इन में, यहां पर क्यू1 चार्ज है तो यहां पर से कितना फ्लक्स घुस रहा है, तो क्या लिखेंगे, क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू 1 माइनस में कॉस अल्फा, और यहां से जाएगा क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसमें तो बीटा वाला आ रहा है, 1 माइनस में कॉस बीटा। एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो खत्म हो गया, हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, है ना, क्यू वन अपॉन क्यू टू, यहां से जाएगा 1 माइनस में कॉस बीटा और 1 माइनस में कॉस अल्फा, है ना। यहां से हो गया क्यू वन माइनस में क्यू वन कॉस बीटा इज इक्वल टू क्यू टू माइनस में क्यू टू कॉस अल्फा, हाँ कॉस बीटा, हमको बीटा निकालना था इसलिए इसको भी इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्यू टू कॉस बीटा इज इक्वल टू हो गया क्यू टू माइनस में क्यू वन और प्लस में क्यू वन कॉस अल्फा। अरे बस समझ में, तो यहां से आ गया हमारे पास क्यू टू उधर चला जाएगा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में क्यू वन अपॉन क्यू टू प्लस में क्यू वन अपॉन क्यू टू कॉस अल्फा। यह आ गया है यहां से यहां तक, तो बीटा का मैंने निकल ही दिया ना, कॉस इनवर्स 1 माइनस में क्यू वन अपॉन क्यू टू प्लस में क्यू वन अपॉन क्यू टू कॉस अल्फा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, छाप लो। ये क्यूब है यहां पर रखा हुआ, इसका साइड लेंथ यहां पर ये 1 है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है लिया हुआ। ये सवाल थोड़ा अब धीरे से हम आगे बढ़ाए हैं, सवाल का इंटेंसिटी थोड़ा ध्यान समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर गया है एक्स पर भी, वाई पर भी डिपेंड कर गया है। कमाल का बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार एक्स के ही डायरेक्शन में नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी है। और इलेक्ट्रिक, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर हम कह दें कि वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में भी है और निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्स का वैल्यू अगर जीरो होगा, यानी कि ओरिजिन पर वाई भी जीरो है, तो ओरिजिन वाले हिस्से पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस से तो पास करेगा ही और इस वाले से भी पास करेगा इस बार वाई डायरेक्शन में, लेकिन इस वाले का कोई फ्लक्स बनेगा नहीं क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ इसी से फ्लक्स बनेगा क्योंकि एरिया वेक्टर यहां लिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे लिखाएगा। यहां पर वाले के हिस्से में देखेंगे अगर इस वाले हिस्से में, तो इस बार इस वाले से तो फ्लक्स बनेगा क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होने के कारण यहां फ्लक्स निगेटिव बन जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इसलिए यहां फ्लक्स बनेगा ही नहीं। इस वाले का फ्लक्स हो जाएगा यहां पर जीरो, इसका भी हो जाएगा फ्लक्स जीरो। ठीक है, तो फ्लक्स बेसिकली कितने सरफेस से पास किए इस बार, 1, 2, 3, 4, जिसमें से 2 ऑलरेडी जीरो हो चुका है, तो हमको इस दोनों को जोड़ लेना है। तो नेट फ्लक्स जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ई वन ए
प्लस में ई टू ए कह सकते हैं, है ना, या ई एक्स और ई वाई के बारे में बात कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एक्स में, माइनस में फोर एक्स, है ना, तो लिखते थे यहां पर माइनस में फोर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वन, क्योंकि वन ही है, और एरिया, एरिया है वन का स्क्वायर, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजिशन कितना है, सिक्स वाई है, यानी कि सिक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना, वन इंटू एरिया वन का स्क्वायर, यानी क्योंकि दो, तो फ्लक्स क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इतना हो गया फ्लक्स। कह रहा है इसके अंदर में कितना चार्ज है, तो हम जानते हैं फ्लक्स बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू इनक्लोज्ड जो है वो हो जाएगा फाइव इंटू एप्सिलॉन जीरो, यानी कि बेसिकली हो गया टू एप्सिलॉन जीरो आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बात, छाप लो। तो अब तक हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन सीख चुके हैं, अब इस गॉस लॉ को हम पहले एक बार लिख देते हैं, क्या है हमारा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए करोगे तो हमको मिलेगा क्यू इनक्लोज्ड अंदर में जितना भी है उसको हम एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। अगर हम एक काम करें, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। अब ये क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, तो किसी भी एक वॉल्यूम में कितना चार्ज है अंदर में रखा हुआ उसी को नाम कहेंगे क्यू इनक्लोज्ड, यानी कि हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू कर देंगे, छोटा छोटा चार्ज लेंगे, है ना, उसको धर के जोड़ देना है, ये ना हो गया इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, हमारा क्यू इनक्लोज्ड है, और ये हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक, ये वॉल्यूम में आ जाएगा इंटीग्रल, है ना, अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा हमारा नेट, जो कंप्लीट डेरिवेशन बन करके आ रहा है, ये हो गया हमारा गॉस लॉ। कोई दिक्कत है, यानी कि डी क्यू को हमको इंटीग्रेट करना है तो हमको नेट चार्ज मिलेगा बाय एप्सिलॉन जीरो करेंगे तो हमारा फ्लक्स बन गया। अब इसका यूज कहां कर सकते हैं, है ना, हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फीयर रखा हुआ, ये सवाल हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से खोलो, कह रहा है कि इसके अंदर में चार्ज है, इसके अंदर में चार्ज है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है इस बात पर कि रो नॉट, है ना, इंटू आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे रो नॉट इंटू, ठीक है, आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है बाय आर स्क्वायर, ऐसे करके डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमको जानना है कि इससे होकर कितना फ्लक्स बन रहा है ये निकाल के दिखाओ, नेट फ्लक्स कितना बन रहा है ये निकाल के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, क्या एक बात बताओ कि ये जो रो है इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि रेडियल कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो हमको इसका नेट चार्ज निकालना पड़ेगा। अरे भाई सुनिए, उसको हमको बाय एप्सिलॉन जीरो कर दे, नेट फ्लक्स आ जाएगा, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इससे किसी आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा वॉल्यूम सेक्शन काट लेते हैं डी आर सेक्शन का। अरे भाई सुनिए, तो इसमें कितना चार्ज है वैसा वैसा चार्ज बहुत सारा बनेगा, उन सबको जोड़ लेंगे, और हमको पता है कि रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका फोर पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। आ रही बात समझे, इतना हो जाएगा सर चार्ज। तो अगर हम रो के जगह पे रो नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर लिख देंगे, ये हो जाएगा डी क्यू। तो हमको अगर क्यू इनक्लोज्ड निकालना है, अगर हम क्यू इनक्लोज्ड निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी क्यू हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू कितना हो जाएगा रो नॉट आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर के आर तक, तो आ जाएगा हमारा क्यू इनक्लोज
बाय एप्सिलॉन जीरो कर देंगे तो वो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स समझ में आ चुका है कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, 4π/r² नीचे एप्सिलॉन जीरो आएगा, 4π/r² एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। और यहां पर r का पावर 5/5 हो जाएगा, है ना। चलो हम ही बना ही दिए, तो बेसिकली क्या हो गया, 4π r³ और 5 ε₀ इतना हो गया इसका फ्लक्स। आई थिंक हम सही हैं। हाँ, तो इससे होकर के कितना फ्लक्स बन रहा है इस बार देखो, डिपेंड कर गया था कि हर एक जगह पे, यहाँ पर चार्ज का वैल्यू जीरो था, यहाँ पर बहुत कम चार्ज था और सरफेस पर बहुत ज्यादा ही चार्ज है, ठीक है। इस तरह से करके वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमने यहाँ पर डील किया है, जब हम इसको और आगे गॉस लॉ को खत्म कर लेंगे, ठीक है। अभी अगला वीडियो आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर होगा, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल हम गॉस लॉ का पहले निपटा दिए ताकि लॉट खत्म होते जाए, है ना, न्यूमेरिकल का। तो सवाल अब है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी जब सीखेंगे उसके बाद हम एक सवाल देखेंगे जो कि जेईई मेन में पूछा गया था, बहुत खूबसूरत सवाल था, आई थिंक 2018 में पूछा गया है, बहुत खूबसूरत सवाल था, वो बनाना है हम लोग को, उसके लिए ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पूरा नोट्स बनाओ, सवाल बनाओ और पूरे अच्छे से एक एक सवाल को डील करो अब गॉस लॉ के ऊपर भी, ठीक है। मिलते हैं, बाय।